एलजेपी रामविलास से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि अरुण भारती को लोकसभा का टिकट दिया है पार्टी ने। जमुई लोकसभा सीट से अरुण भारती को टिकट दिया है। चिराग पासवान के जीजा हैं अरुण भारती। जमुई लोकसभा सीट अरुण भारती को दी गई है। अभी जमुई लोकसभा सीट से चिराग पासवान खुद सांसद हैं, लेकिन इस बार चिराग पासवान जमुई से लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उनकी ओर से इस बार हाजीपुर से चुनाव चूंकि लड़ा जाएगा, ऐसे में अपने जीजा को उन्होंने टिकट दिया है। अरुण भारती जमुई से उम्मीदवार होंगे एलजेपी के। मनोहर केसरी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मनोहर, जमुई से फिलहाल मौजूदा वक्त में खुद चिराग पासवान सांसद हैं, चूंकि हाजीपुर से लड़ रहे हैं, ऐसे में अपने जीजा अरुण भारती को उन्होंने टिकट दिया है, क्या ये पूरी खबर? आदित्य, बिल्कुल, चिराग पासवान को जब एनडीए से बीजेपी ने 5 सीटें गठबंधन में की है तो पहली सीट की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा है कि अरुण भारती को चुनाव लड़ाया जाएगा जम्मू से, और जम्मू से वो खुद सांसद है। अगर देखें तो अरुण भारती पेशे से इंजीनियर है, उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है। उनकी माँ डॉक्टर ज्योति जो है वो सहार सीट से 2 बार विधायक रह चुकी है कांग्रेस के, साथ ही साथ वो कांग्रेस सरकार में जो तैयार नहीं थी तो मंत्री भी रह चुकी है। वो खुद 2019 में जब रामविलास पासवान सीटों का बंटवारा कर रहे थे तो वो भी चाह रहे थे चुनाव लड़े, लेकिन जो 5 लोकसभा सीट है जिनमें से 3 सीटें सुरक्षित है, सुरक्षित सीटों में अगर हम बात करें तो हाजीपुर, समस्तीपुर और जमुई सीट है, जिनमें से हाजीपुर से चिराग पासवान खुद लड़ेंगे और वहीं जमुई से अपने जीजा को उन्होंने दिया है अरुण भारती को, क्योंकि चिराग पासवान स्वदेशी बहन है। तो ऐसी स्थिति में चिराग पासवान ने उन पर भरोसा जताया और अरुण भारती ने भी ट्वीट करके बधाई किया है। उन्होंने कहा है कि हम रामविलास पासवान के नक्शों कदमों पर चलेंगे, उनकी जो सपना था लोगों की सेवा करना वो साकार करेंगे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 400 पार के नारे दिए हैं उनको हम वहां तक पूरा करेंगे और जमुई सीट को जीत करके वहां की जनता को के लिए हम सेवा करने जाएंगे। बिल्कुल, कुल 5 सीटें मिली हैं एनडीए में। बिहार में चिराग पासवान को जमुई से जीजा अरुण भारती को टिकट दिया है, हाजीपुर से खुद चुनाव लड़ेंगे। बाकी 3 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कब तक बताया जा रहा होगा? और चूंकि पहले चरण में ही जमुई में चुनाव होना है, वोटिंग होनी है, ऐसे में पर्चा कब भरा जाएगा अरुण भारती की ओर से? आज के बिहार में अगर हम पहले चरण की बात करें तो 28 से 30 मार्च तक आखिरी घड़ी है वहां पर नॉमिनेशन फाइल करने की, तो हो सकता है बहुत जल्द जो से दिल्ली में नॉमिनेशन फाइल करते हैं अरुण भारती। और जहां तक बाकी सीटों का सवाल है, बाकी सीटों में भी जल्द फैसला हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली में ही पिछले हफ्ते चिराग पासवान की पार्टी का संसदीय बोर्ड की बैठक हुई थी और उसमें फैसला लिया जा चुका है। चिराग पासवान को भी कहा गया है कि वो जो फैसला लेंगे वो सही लेंगे, बाकी नेताओं से चर्चा हो गई है, तो जल्द ही बाकी सीटों पर भी उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी। जी बिल्कुल, तो देखिए जमुई लोकसभा सीट से अरुण भारती को टिकट मिला है एलजेपी की ओर से, और चिराग पासवान के जीजा हैं अरुण भारती। जमुई लोकसभा सीट से फिलहाल मौजूदा वक्त में चिराग पासवान खुद सांसद हैं, इस बार चूंकि हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे तो जमुई सीट अपने जीजा को उन्होंने दे दी है। अरुण भारती की अगर बात करें तो थोड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड उनका दर्शकों की जानकारी के लिए मनोहर बताइए, और क्या टफ फाइट उन्हें उस सीट पर मिलने वाली है, या फिर चूंकि एक सेफ सीट हो सकती है जमुई की एलजेपी के लिए अरुण भारती के लिए, तो इसलिए ये फैसला अरुण भारती को वहां से टिकट देने का? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं और अपने दर्शकों को बताऊं कि अरुण भारती कौन है। अरुण भारती एक तो चिराग पासवान से जीजा तो है, लेकिन वो पेशे से इंजीनियर है। उनकी माँ डॉक्टर ज्योति कांग्रेस की नेता है। वो 2 बार भोजपुर जिले के जो सहार विधानसभा सीट है वहाँ से विधायक रह चुके हैं। कहने का मतलब यह है कि उनका राजनीतिक जमीन पहले से ही रही है, राजनीतिक बैकग्राउंड से आते हैं और वो पहले भी रामविलास पासवान के साथ चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन जब 3 सीटें सुरक्षित चली गई, उन्हें टिकट नहीं दिया गया। रामविलास पासवान ने भी उस वक्त अपने दोनों भाइयों को चुनाव लड़ाया था, रामचंद्र पासवान और सुखचंद्र पारस, और अब देखना होगा कि जो तीसरी सीट समस्तीपुर के किसे चिराग पासवान चुनाव लड़ाते हैं। जहाँ तक जमुई और लोकसभा सीट का सवाल है तो चिराग पासवान कई बार कह चुके हैं कि उन्होंने जमुई सीट पर जनता के लिए कई विकास के काम किए हैं, उसी आधार पर जो है अरुण भारती भी चुनावी मैदान में उतर करके लोगों से वोट मांगेंगे।
चिराग पासवान भी चुनाव प्रचार करने के लिए जाएंगे और अपने जीजा के लिए वोट मांगेंगे। देखना होगा कि ये जो जमीन चिराग पासवान ने तैयार किया उसमें अरुण भारती कितना खेल पाते हैं। चलिए ठीक है, शुक्रिया आपका मनोहर केसरी इस पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो एलजेपी की ओर से, चिराग पासवान की ओर से, जीजा अरुण भारती को टिकट दिया गया है जमुई सीट से।